साहब, हम ये 3 माह से उचित मूल्य की दुकान से नहीं मिला राशन। सेल्समैन अगर कभी राशन देता है तो पात्रता पर्ची पर 30 किलो वजन लिखा देता है तो देता है 10 किलो राशन। गता झलकुई के ग्रामवासी पहुंचे एसडीएम जेपी गुप्ता के पास। खनिया थाना तहसील के अंतर्गत आने वाले गता झलकुई में इन दिनों सेल्समैन जयराम आदिवासी की मनमानी देखने को मिल रही है। एक ओर ग्रामवासी कोरोना की मार झेल रहे हैं, दूसरी तरफ गता झलकुई में सेल्समैन अपनी मनमानी कर रहा है। सेल्समैन की मनमानी के चलते गता झलकुई के ग्रामवासियों को उचित मूल्य की दुकान से राशन न देने का मामला सामने आया है। लोगों का कहना है कि गता झलकुई के सेल्समैन ने पिछले 3 माह से राशन नहीं दिया है। जो शासन की ओर से फ्री राशन आया था वो भी पूरा सेल्समैन डकार गया, और कभी कभी अगर सेल्समैन से ज्यादा ग्रामवासी कहते हैं तो वो 30 किलो की पात्रता पर्ची पर मिलने वाला 30 किलो का अनाज की जगह 10 किलो अनाज देता है। कहता है कि कहीं भी जाकर मेरी शिकायत कर लो, मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आज का दौर सब सिस्टम से चलने वाला है। मेरे हर जगह सिस्टम बने हैं, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसको लेकर ग्राम गता झलकुई के करीब 100 से 150 व्यक्ति खनिया थाना तहसील कार्यालय पहुंचे एसडीएम को शिकायती आवेदन देते हुए गुहार लगाई कि गता झलकुई के सेल्समैन जयराम ने पिछले 3 माह का राशन दिलाया जाए, सेल्समैन को उचित मूल्य की दुकानों से हटाकर किसी दूसरे को रखा जाए। अब देखना यह है कि शिकायत के बाद सेल्समैन को हटाया जाता है या नहीं। हमारी टीम ने संबंध में खनिया थाना पिछौर एसडीएम जेपी गुप्ता से बात की तो उन्होंने सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया है। संबंध में फूड इंस्पेक्टर को अवगत कराने की बात कही है। भाई का नाम है तहसील में का घुमाई आज? अरे अभी ऐसे ही घुमाई थी जब किसी नहीं मिल रही थी। कौन से गांव की हो? झलकुई की हो? हाँ। कब से नहीं मिली तुम्हें? 1.5 साल हो। 1.5 साल से नहीं मिलो? का कह दे? ये भाई साहब उनके आए थे जब इनके कहन से गई थी। भाई का नाम है? तहसील में का घुमाई आज? यही बात घुमाई है। का घुमाई? अब हमें यहाँ गले मल्ले मिल नहीं रहे, हमारे साथ साथ पसेरी के जे भैया बैठे बनवाए, हमें दो दो पसेरी करूँ कर जाए। क्या नाम है? तहसील पे आए हो तुम लोग, किस लिए आए हो? आए साहब कि हमारा गरीब को जो कुछ भाग है वो नहीं मिलता हमें, हम पढ़े हैं ना, लेकिन ऊँटे छाप हैं हम तो। और जो दुकान पे हमारा लाइसेंस आता है उसको कभी कभी वो 25 किलो दे देते, कभी 10 किलो दे देते हैं। अब की 3 महीने में 1 महीना का। अच्छा, 3 महीने में 1 महीने का। क्या नाम है? हरि सिंह। तहसील में क्यों आए हो आज? तहसील में इसलिए आए हैं कि हमारे पहले तो ग्राम की पूरी फसल नष्ट हो गई और कोई हमारी अभी तक सुनवाई नहीं भाई। और दूसरे नंबर ये है कि हमारे जो उचित मूल्य पे की दुकान पे राशन बटता है वो आज तक हमें सही नियम से नहीं बटा, फ्री भी दे सरकार वो भी हमको नहीं मिला। आवेदन भी पेश किया है कि उन्हें समय पर राशन नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है। इस संबंध में उन्होंने ESO को निर्देशित किया है दुकान पर जाए, उसकी जाँच करें, कब से नहीं मिला है और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इधर उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो जब राशन वो देता है तो कम देता है। हाँ, ये सभी बिंदुओं की जाँच करने के लिए फूड इंस्पेक्टर।